हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसी वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं भी देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हिंदी के पेपर को पास कैसे करें। आज की टॉपिक यही होने वाली है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं आता है हिंदी में, अगर आपको डर लग रहा है कि मैं हिंदी में फेल हो जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप हिंदी में कोई भी पेपर आएगा आप आसानी से उसको पास कर पाओगे। ज्यादा नहीं तो आप 100 में कम से कम 70 और 75 मार्क्स आराम से आप उसको लेकर चले आओगे। क्या ट्रिक है मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप टॉपर बन सकते हो, लेकिन आप एवरेज स्कोर जरूर ला सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, किसी का जन्म या मृत्यु या रचना नहीं आ रहा है आप लोगों को, या गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करें वो नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो आज वीडियो में सब कुछ मैं अपने से सॉल्व करके बताने वाला हूँ। हमारे पास एक पेपर है मेरे प्यार बच्चों, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो उनको कुछ नहीं आता है, मतलब उनको बिल्कुल कुछ वो हिंदी में पढ़े ही नहीं है, उनके लिए वीडियो है। जो कुछ जानते हैं, जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ के अच्छे से नंबर लेकर आए, लेकिन ये वीडियो उनके लिए जो कुछ भी नहीं जानते हैं हिंदी में, उनके लिए स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए मैं बनाया हूँ, ठीक है। और यह पेपर आप देख पा रहे हो कि यह पेपर 2025 बोर्ड का पेपर है और इस पेपर का कोड है 801DD, और पूरा का पूरा मैं सॉल्व करके इस पेपर को अपने से दिखाने वाला हूं, ठीक है। अपने हाथों से खुद मैं सॉल्व करूंगा एक एक प्रश्न, और एक एक प्रश्न में मैं आप लोगों को ट्रिक बताता चलूंगा कि इस प्रश्न में कौन सा आपको ट्रिक लगाना है। यहाँ पे अनुक्रमांक और नाम अपने एडमिट कार्ड से देखकर लिख लीजिएगा। और ये पेपर कितने नंबर का है, 70 नंबर का पेपर है, और 30 नंबर आप लोगों को प्रैक्टिकल से मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका 100 नंबर का पूर्णांक है तो आप इसमें आराम से 75 नंबर ला दोगे, और 70 नंबर का है तो इसमें आराम से आप 40 या 45 नंबर आराम से ला सकते हो। यह सब में लागू होता है क्योंकि हिंदी के पेपर सब में आता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले इसमें क्या आया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक क्या होता है, देखिए यहाँ पे बोला है ना बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे आ गया है, तो चलिए मैं इसको साइड करता हूँ और बहुविकल्पीय प्रश्न का मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे ये जो आप लोगों का पेज मिलेगा, ठीक है, पेज में आप लोगों को यहाँ पे लाइनिंग खींच लेनी है। ये काम आप लोगों को बहुत जरूरी है करना, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे डबल लाइनिंग आप लोग को आराम से खींच लेनी है। एक एक क्वेश्चन का मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, बिल्कुल वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए कि मैं क्या आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। यह ट्रिक सबसे पहले किसके लिए बता रहा हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है मेरे प्यार बच्चों, उसमें चार ऑप्शन दिए होते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन देने के बाद उसमें चार ऑप्शन दिया होता है, एक ऑप्शन ए, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन सी और एक ऑप्शन डी दिया होता है, ठीक है। देखिए अब कौन सा ऑप्शन इसमें आप लोगों को टिक करना है, तो यहाँ पे मैं कुछ कंडीशंस बताता हूँ। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन ये कहता है कि अगर आपको ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी, कोई भी ऑप्शन में अगर आपको ए और बी दोनों दिखे, ठीक है, ए और बी अगर आपको दोनों दिखे कोई भी ऑप्शन, तो आंख बंद करके आप लोगों को इस पे ही टिक करना है, मतलब यही वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, और यह 99% है कि सही होगा। 1% आप लोगों के रेयर केस में होते हैं कि नहीं सही होता है, लेकिन 99% ये ट्रिक आप लोगों को काम करेगा, 100% मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद कंडीशन नंबर 2 कहता है कि अगर आपको दे दे कि इनमें से सभी, अगर आपको इसमें से बोल दे कि इनमें से सभी कोई भी ऑप्शन अगर उसमें आपको दिखे कि इनमें से सही, तो समझ लीजिए कि इनमें से सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी आप लोगों का 99% ही सही होता है इनमें से सभी। और कंडीशन नंबर 3 कहता है इसमें से कि इनमें से कोई नहीं, अगर आपको एक और कंडीशन दे दे और ऑप्शन में दिखे आप लोगों को कि इनमें से कोई नहीं, तो आप लोगों को कौन सा क्लिक करके जाना है, यही वाला ऑप्शन, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो 3 कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया, कंडीशन नंबर 1, 2, 3। अब आप कहोगे कि अगर तीनों ना दे तब तो क्या करें हम, तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रिक है। देखिए अगर तीनों में से कोई नहीं दे, चारों ऑप्शन आप लोगों को अलग दे, ऑप्शन ए बी अलग रहे, ठीक
ऑप्शन बी भी अलग रहे और ऑप्शन सी भी अलग रहे और ऑप्शन डी भी अलग रहे, इन तीनों में से कोई भी ना रहे, तब कौन सा ट्रिक आप इस्तेमाल करोगे? तो मेरे प्यार बच्चों आप इसको नोट कर लो, सबसे ज्यादा कम से कम 90% आप लोगों को ऑप्शन ए पे क्लिक करना है, ऑप्शन ए को रंग के आना है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ए सही नहीं होगा तो आपको रंगना होगा ऑप्शन सी, बस इन्हीं दोनों को आप लोगों को रंगना है, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए। सबसे ज्यादा ऑप्शन ए को रंगना है, इसके बाद आप लोग वो ऑप्शन सी पे रंगना है, ठीक है? अगर आपको किसी कंडीशन में ये लगता है कि ए और सी तो नहीं होंगे, तब जाके आप लोगों को कभी रेयर केस में बी और डी की तरफ बढ़ना है, अन्यथा आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ही करना है। अगर इतना करोगे तो 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें से 70% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करके चले आओगे, सभी सही होंगे 70%, 30% ही आप लोगों के गलत होंगे, अन्यथा 70% आप बिना पढ़े आप आसानी से पास कर पाओगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक था। अब हम बात करने वाले हैं आप लोगों को कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों को बताता हूं। देखिए यहां से स्टार्ट होगा आप लोगों का, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आए। यहां से आप लोगों का खंड ब स्टार्ट होगा, खंड ब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहता है, उसमें सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चन 50 नंबर का है। देखिए क्या बोला है प्रश्न नंबर 21 कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आप लोगों को गद्यांश सॉल्व करना दे दे तो गद्यांश आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है? मैं इसका ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए इसमें क्या है कि जैसे गद्यांश बोल दिया है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्विति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन उन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यह आप लोगों को गद्यांश दे दिया, ये गद्यांश अभी तक आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़ा नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगे? इसमें 2 ऑप्शन देता है, या तो ये वाला गद्यांश कर लो या तो अथवा करके ये वाला गद्यांश दिया है। तो मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगा वो दोनों में अप्लाई होंगे, ठीक है? क्योंकि दोनों का तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो पेज मिलेगा यहाँ पे, इस पेज पे आप लोगों को क्या करना है कि स्केल की मदद से आप लोगों को लाइनिंग खींच लेनी है। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया था, ठीक है? तो कुछ में आप लोगों को ओ एम आर शीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होता है, कुछ पेपरों में आप लोगों को खुद लिखना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओ एम आर शीट में नहीं पूछता। जैसे हाई स्कूल में आप लोगों को ओ एम आर शीट में पूछेगा और इंटर में आप लोगों को नहीं पूछता है, ठीक है? चलिए तो करना क्या है, आप लोगों को लाइनिंग आपने खींच लिया, इसके बाद आप लोगों को प्रश्न उत्तर डालना है। यहाँ पे एक सुंदर हैंडराइटिंग में आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न उत्तर आप लोगों को डालना होगा। मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ, प्रश्न उत्तर और यहाँ पे क्या डालना है, संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को एक सुंदर राइटिंग में डालना है, कौन सा प्रश्न कर रहे हो आप लोग, ठीक है? तो प्रश्न उत्तर संख्या आपने हेडिंग डाल लिया। कौन था प्रश्न आप लोगों का है, तो प्रश्न नंबर 21 था, तो प्रश्न नंबर 21 आप लोगों को इस तरह डालना है। जो भी आप प्रश्न कर रहे हो वो प्रश्न आप लोगों को डालना है, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों को जान सके कि आपने कौन सा प्रश्न किया हुआ है, ठीक है? इसके बाद नीचे अंडरलाइन आप लोगों को कर देना है। इतना हो गया आप लोगों को। इसके बाद देखिए करना क्या है, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में देखिए पहला बोला है यहाँ पे कि प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम लिखे, तो जिसमें पाठ और लेखक का नाम लिखा जाता है उसे संदर्भ बोलते हैं, मतलब ए वाला संदर्भ लिखने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए डालेंगे, ए डालने के बाद यहाँ पे हेडिंग आपकी पहली रहेगी संदर्भ, क्या रहेगी, संदर्भ आपकी पहली हेडिंग रहेगी, तो यहाँ पे आप संदर्भ हेडिंग डालोगे जैसे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है? संदर्भ डालने के बाद यहाँ नीचे आप अंडरलाइन कर दोगे, थोड़ा अच्छा दिखने में लगेगा। अब संदर्भ में पाठ और लेखक का नाम बताना है, और पाठ और लेखक का नाम आप लोगों को तो मालूम है नहीं कि किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है? लेकिन आप लोगों को लिखने का तरीका क्या है ये आप जान लो पहले। देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले एक लाइन याद कर लो, अगर गद्यांश है, गद्यांश सॉल्व करोगे, गद्यांश के लिए ट्रिक है, अगर गद्यांश सॉल्व करे हो तो आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश, एक लाइन में आपको बता रहा हूं याद कर लेना, प्रस्तुत गद्यांश। जब भी आप लोगों को गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा तो इसी तरह लिखा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना तो आप लिख ही सकते हो आराम से, ठीक है? इतना तो आता है आप लोगों को, ठीक है? सिर्फ आप लोगों को लेखक और पाठ का नाम मालूम नहीं है, ये तो आप लिख ही पाओगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, क्या लिखोगे, हिंदी के, हिंदी के गद है तो आप गद खंड लिखोगे, क्या लिखोगे, गद खंड लिखोगे, हिंदी के गद खंड में, हिंदी के गद खंड में संकलित, संकलित। अब यहां फंस जाओगे आप, अब यहां पे आगे फंस जाओगे आप, क्योंकि अब
पार्ट का नाम आएगा, लेसन का नाम। तो अब किस लेसन से लिया गया है यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। आपको तो मालूम है ना कि किस लेसन से लिया गया है, तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चैप्टरों का नाम बता देता हूँ। जैसे आपको मालूम है कि आपके सब्जेक्ट में मित्रता चैप्टर दिया है, ठीक है, इसके बाद आप लोगों का ममता चैप्टर दिया है, ठीक है, ममता चैप्टर, ममता चैप्टर के बाद आप लोगों को भारतीय संस्कृति चैप्टर दिया है, ठीक है, भारतीय संस्कृति। चैप्टरों के नाम तो आपको मालूम ही होंगे, कुछ ना कुछ तो मालूम ही होंगे। इसके बाद एक चैप्टर और आ जाता है, अजंता चैप्टर, ठीक है। मान लीजिए मुझको मालूम है, तीन चार चैप्टरों का नाम मुझे मालूम है, हमको मालूम नहीं है कि किस चैप्टर से लिया गया है, हमको तो मालूम नहीं है कि इन किन चैप्टरों से लिया गया है, तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। आपका मन करे तो ममता उठा लो, या मित्रता उठा लो, या भारतीय संस्कृति उठा लो, या अजंता, कुछ भी उठा लो। अगर आपको नहीं मालूम है, एग्जैक्ट नहीं मालूम है, तो आप तो कुछ भी लिख सकते हो, तो आप बिंदास कुछ भी लिख लीजिए। अगर मित्रता को लग रहा है कि मित्रता से लिया गया है, तो आप मित्रता ही यहाँ पे लिख लीजिए कि मित्रता पाठ से लिया गया है, या मित्रता पाठ से लिया गया है। आगे क्या लिखोगे? पाठ से लिया गया है, लिया गया है, ठीक है। और अगली लाइन क्या रहेगी? तथा इसके रचयिता। आगे क्या लिखोगे? तथा इसके लेखक, लेखक होंगे ना, तथा इसके लेखक कौन है? अब लेखक का नाम तो आपको मालूम नहीं है, तो जैसे मैं आपको बता, जैसे मित्रता चैप्टर है, मित्रता चैप्टर के कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यहां मैं लिख देता हूँ रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद ममता चैप्टर के कौन है? तो ममता चैप्टर के आपके वो है जयशंकर प्रसाद जी, तो जयशंकर प्रसाद जी। और भारतीय संस्कृति चैप्टर के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको तो मालूम है नहीं कि क्या होंगे, लेकिन आपको लेखक के नाम तो मालूम होंगे ना। जैसे अजंता है तो भगवत सरन उपाध्याय जी। तो अगर आपको मालूम नहीं है कि कौन से लेखक मित्रता चैप्टर को लिखे हैं, जैसे मित्रता चैप्टर को तो रामचंद्र शुक्ल जी ही लिखे हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है कि कौन लिखे हैं, तो आप किसी का भी नाम लिख दो, किसी का भी नाम लिख दो, नंबर मिल जाएगा। आप जयशंकर प्रसाद लिखना चाहते हो तो जयशंकर प्रसाद लिख दो, जयशंकर प्रसाद लिख दो, बात खत्म, नंबर आपको दे दिए जाएंगे। अगर नहीं आपको याद है तो यही आपको अप्लाई करना है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं। इसी तरह आप लोगों का गद्यांश पूरा हो गया। इसके बाद देखिए क्या बोला है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है ना, उसका व्याख्या बताना है। तो व्याख्या लिखने का ट्रिक आप सीख लो कि व्याख्या कैसे लिखा जाता है। पहली बात की हेडिंग आप डालो रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां बी था ना, तो यहां बी इस तरह लिखे रेखांकित, रेखांकित अंशों की व्याख्या, ठीक है, आराम से आप पास कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हुआ, आराम से हर एक क्वेश्चन का मैट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, अब व्याख्या में क्या करोगे कि व्याख्या तो आपको आता नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विक्षय करता है। अब आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहली लाइन तो सेम यही उतारना है, यहां से लेकर यहां तक ये लाइनिंग आप लोगों को सेम उतारना है, ठीक है। उतारने के बाद ये जो कामा दिया हुआ है आगे, कामा को यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे नोट कर देना है, ठीक है, यहां से लेकर और यहां तक, फिर आप उसको नोट कर लो, यहां से लेकर यहां तक, फिर उसको क्या करोगे आप, नोट कर लो, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक नोट करोगे, जैसे आपका भर जाएगा 5-7 लाइन, वो आपको नंबर दे दिया जाएगा। ये किसके लिए बता रहा हूं? जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया। इसी तरह यहाँ पे सी वाला युवा पुरुष के संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, यहां से कोई ना कोई एक लाइन उठाकर बीच वाले लाइन से काट कर लिख लेना है, यह भी आंसर आप लोगों को हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, उसी तरह यह भी हो जाएगा आप लोगों को, अथवा करके दोनों में से कोई एक ही करना था। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 आप देखोगे तो दिया कि दिए गए पद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप गद्यांश दिया था, पद्यांश, पद्यांश में भी सेम चीज, पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तलंकार कुछ भी अगर आपको नाम मालूम है, ठीक है, तो आप अनुप्रास अलंकार, अर्थालंकार, ठीक है, कोई भी आपको अलंकार मालूम है तो वो लिख दीजिएगा नाम। अब यहाँ पे संदर्भ लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, तरीका कुछ नहीं चेंज होगा, सेम वही चीज रहेगा, प्रस्तुत गद्यांश, अब गद्यांश की जगह आपको काट कर क्या लिखना पड़ेगा वहां पे, पद्यांश, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, पद्यांश, क्योंकि आप पद्यांश सॉल्व कर रहे हो। इसके बाद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, अब यहाँ पे गद्य खंड को काट कर आपको यहाँ पे काव्य खंड एक इस्तेमाल कर दीजिएगा, काव्य खंड या पद खंड लिख देंगे तभी हो जाएगा आप लोगों को, काव्य खंड लिखिए या पद खंड, ठीक है। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों किस चैप्टर से लिया गया है,
ये तुम पूछेगा ना कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, तो उनकी लिमिट्रिक आपको बता देता हूं। अब यहां पे आप लोगों का रचयिता फंस गए कि अब रचयिता कौन लिखे और पाठ के नाम, ठीक है, पाठ के नाम रचयिता। तो आप लोगों कवि के नाम तो बहुत लोगों को मालूम होगा, जैसे सूरदास जी हैं, ठीक है, सूरदास जी हैं, और आपके तुलसीदास जी हैं, ठीक है, तुलसीदास जी, और यहाँ पे सूरदास जी हो गए। इसके बाद आप लोग आपके भगवत स्वरूप उपाध्याय जी हुए, बहुत लोग हैं, तो किनका भी नाम आपको मालूम है कि लग रहा है कि सूरदास जी, तो सूरदास जी का नाम लिख लो, तुलसीदास जी का लग रहा है तो तुलसीदास, कुछ भी लिख दो। और पाठ के नाम में कुछ पाठ का नाम याद कर लो, जैसे सूरदास जी का सूर सागर है, ठीक है, सूर सागर, तुलसीदास का एक वन पथ पर है, वन पथ पर, और एक उन्हीं का है आप लोगों का धनुष भंग, क्या है, धनुष भंग। तो कुछ भी आप नाम लिख सकते हो, कोई जरूरी है कि आप सेम वही लिखो, आपका मन कर रहा है तो सूर सागर लिख लो, वनपथ लिख लो, धनुष भंग लिख दो, क्योंकि आपको तो मालूम है नहीं, तो आप कुछ भी लिख दोगे, लेकिन लिखना जरूर, आपको नंबर दे दिए जाएंगे, आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं गद्यांश और पद्यांश दोनों सॉल्व करना आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसी प्रकार मेरे प्यारों, जो प्रश्न नंबर 23 है कि दिए गए संस्कृत के गद्यांश में से किसी का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, तो ये भी आप प्रश्न कर लोगे, सेम वही चीज है, इसमें भी संदर्भ, लेकिन याद रखना कि संदर्भ इसमें बस दो ही चैप्टर का नाम आता है, या तो वाराणसी चैप्टर लिखना कि वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, या यहाँ पे आप वीरह विन पूजते हैं, वीरह विन पूजते हैं, ठीक है, बस यही दो चैप्टर आप लोगों का है, ठीक है, इन्हीं दोनों चैप्टर से आप लोगों को लिखना है, वाराणसी वीरबिन पूछते हैं या भारतीय संस्कृति चैप्टर, एक आप लोगों का होता है भारतीय संस्कृति चैप्टर, इन्हीं तीनों लोग में से किसी का भी नाम लिख दोगे तो यह आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, संस्कृत का गद्यांश। और इसी तरह संस्कृत का पद्यांश, तो एक बात कॉमन होता है, जिस चैप्टर का संस्कृत का गद्यांश होता है उसी चैप्टर का संस्कृत का पद्यांश भी होता है, तो ये इन्हीं तीनों में से किसी का भी नाम लिख दोगे तो आप लोगों को काम हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों चैप्टरों में से आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों दिए होते हैं, ठीक है। तो आपको आप संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश भी सॉल्व करना आ गया होगा, और हिंदी में अनुवाद मतलब कि आप देखिए इसको हिंदी में अनुवाद करना है, तो आपको अगर हिंदी का अनुवाद नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करें, तो पीछे आपका हिंदी का गद्यांश दिया था ना, पीछे आगे वाला प्रश्न उसी का उठाकर यहाँ पे लिख दोगे तो आंसर आपको मिल जाएंगे, उन्हीं का व्याख्या, उन्हीं का जो गद्यांश दिया था सेम टू सेम यहाँ पे छाप दो, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 24 दोनों हमने आप लोगों को बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 25वां, कि अपने अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये आपका खंड काव्य है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है, मुक्तिदूत हुआ, ज्योति जवाहर हुआ, बहुत सारे होते हैं, मेवार मुकुट, अग्र पूजा होता है, जेव सुभाष, मातृभूमि, करण, ठीक है, करण की बात अगर हम बात करेंगे तो एक और देता है यहाँ पे तुमूल देता है। अब इसमें से अपने जिला में जो आता है वही कीजिएगा, अपने से बनाकर कुछ भी लिख दीजिएगा, नंबर आपको दे दिए जाएंगे। अब मेन फंसेगा बात यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों, प्रश्न नंबर 26 पे, कि लेखकों में से किसी का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय आप लोगों को देना है, तो जीवन परिचय आप कैसे लिखोगे अगर आपको नहीं आता है। देखो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखोगे, दो चीज इंपोर्टेंट होता है इसमें, एक उनकी मृत्यु, एक उनका जन्म और रचना, क्योंकि दो नंबर रचना पे मिलता है और तीन नंबर जीवन परिचय पे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लिख दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कितना में हुआ था, जैसे मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता देता हूँ उनका जन्म कब हुआ था, तो 1889 में उनका जन्म हुआ था, और मृत्यु की बात करें तो 1937 में उनकी मृत्यु हुआ था। इसी तरह आपके जयशंकर प्रसाद हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म यह हुआ था 1889 में 1937 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म कितने हुए थे मेरे प्यारे बच्चों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो जन्म हुआ थे वो 1884 में उनका जन्म हुआ था, और मृत्यु उनका 1963 में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और जयशंकर प्रसाद का 1889 में और मृत्यु 1937 में, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ था, और मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1941 में मृत्यु हुआ था। तो ये एग्जैक्ट डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें भी आप लोगों का एक ट्रिक छिपा हुआ है, कि अगर आपको जन्म लिखना है तो इतना याद रहे कि 18 से ही स्टार्ट होना चाहिए। देखो जन्म
कुछ भी लिखो लेकिन जन्म 18 से स्टार्ट होकर होना चाहिए, पीछे आप 89 82 कुछ भी लिखो। अब मृत्यु में नोट करो, मृत्यु में आपको समाप्त 19 पे करना है, मृत्यु आपको समाप्त 19 पे करना है, पीछे आप कुछ भी लिख दो, 1920 1925 1923 कुछ भी लिख दो, लेकिन स्टार्ट 18 से और समाप्त 19 पे करना है, ठीक है। और रचना की बात करें तो रचना में आप मेरे प्यारे जो कुछ भी लिख देना, ठीक है, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ध्रुवस्वामिनी, आकाशदीप, कफन, तितली, कंकाल, इरावती, मेरी आत्मकथा, भारतीय संस्कृति, बहुत सारे हैं, जो आपका मन करे आप रचना में लिख दो, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। इसी तरह ट्रिक इसमें भी लगेगा, कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय, तो कवियों में के जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन से आए हैं, तुलसीदास जी। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1623 में हुआ था। और यहाँ पे आगे हैं आपके सुमित्रानंद पंत, इनका जन्म 1900 में हुआ था, मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी। और सूरदास जी की अगर हम बात करें तो सूरदास की जो जन्म हुआ था 1478 में हुआ था, मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1583 में हुआ था। लेकिन याद रखना तीनों में से किसी एक का ही लिखना है, तो देखो यहाँ पे 15 19 14 याद कर लो, इन्हीं तीनों में से कोई एक डेट डालना है, मृत्यु 16 19 15 में डालना है, बस कोई भी आप डेट लिख दो। और रचना में आप कुछ भी लिख देना, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावती, और हम बात करें तो ये लिख लीजिएगा पल्लव ग्रंथी लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो आप लोगों को अगर मालूम होगा तो आराम से आप इसको कोई भी ना कोई भी बनाकर आप लिख देंगे इनके रचना में, तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 27, अपने पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न में ना आया हो, तो आपको एक श्लोक लिखना है। तो श्लोक के लिए मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे श्लोक आपको दिया था, प्रश्न नंबर में आपको दिखाना चाहूंगा, प्रश्न नंबर आपका 24, देखिए प्रश्न नंबर 24 में दो श्लोक दिए हुए हैं, एक श्लोक यह दिया हुआ है, एक श्लोक ये, भले ही उसमें बोला है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, आप ध्यान मत दीजिए, बस यही डिटो पूरा आप छाप के चले आइए, जब एग्जाम कॉपी चेक करेगा तो उसको थोड़ी मालूम, मतलब उतना थोड़ी उसके पास समय रहेगा कि वो देखेगा कि ये वाला आया था या नहीं आया था, उसको चेक करेगा आपको नंबर दे देगा, तो यहां से दो नंबर तो आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अगला देख लो, अगला क्या है 28वां, निम्नलिखित में से किन दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दो। अब संस्कृत में उत्तर देना है, जैसे भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, अब आपको क्या करना क्या है कि भारतीय संस्कृत मूलम अस्ति लिख के क्वेश्चन मार्क को हटा देना है, पुरुराज को आसित पुरुराज और कुछ ना कुछ उसमें सेंटेंस जोड़कर लास्ट में आसित क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिएगा, चंद्रशेखर को आसित चंद्रशेखर बीच में कुछ वर्ड एक्स्ट्रा संस्कृत का जोड़कर आसित लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिएगा। इसी तरह वीरह केन पूजते, तो वीरह केन की जगह आप वीरेन लिख देना कि वीर वीन पूजते, इसके बाद क्वेश्चन मार्क को हटा देना, मतलब क केन क मूल ये जो बीच में वर्ड आए हैं उनको हटाकर कोई संस्कृत का एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको जोड़ना है संस्कृत वाला, और लास्ट में अस्ति आसित आसित पूजते लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क को हटा देना है, यहाँ पे खड़ी पाई आपको डालना है उत्तर लिखते समय, बस आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिए क्या है, अगला है प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 29, क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। तो मेरे प्यार कुछ निबंध आपको लिखना, निबंध लिखने का ट्रिक मेरे चैनल पे बहुत है, लेकिन याद रखना कि पहली हेडिंग आप लोगों का प्रस्तावना होना चाहिए, पहली हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट की हेडिंग आप लोगों की उपसंहार होना चाहिए। एग्जामिनर दो ही चीज चेक करता है, बीच में आपने हेडिंग बना के लिखा है कुछ भी हेडिंग लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर पहली बात की प्रस्तावना देखेगा, लास्ट में आप लोगों का उपसंहार देखेगा, बस ये दो हेडिंग आप अच्छे से लिख देना, ठीक है। इसके बाद देखिए 30वां, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न हुआ मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखे, कहने का मतलब है कुछ भी कंडीशन दे दे, पत्र लेखन की बात आया है, पत्र लेखन में कुछ भी मेरे प्यार बच्चे लिखो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस बिल्कुल सही लिखना है, एड्रेस का मतलब कि अगर किसी को पत्र लिख रहे हो, ठीक है, तो उसका यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए, उसका यहाँ पे किस डेट को लिख रहे हो, और यहाँ पे सब्जेक्ट किस विषय के बारे में लिख रहे हो, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे आप बीच में कुछ भी लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे उसका सिग्नेचर आप लोगों को देना है कि आप कौन हो, ठीक है, और आपका नाम क्या है, तो नाम कभी लिखा नहीं जाता है, क ख ग लिखा जाता है, और बीच में आप कुछ भी कंडीशन लिख दो, तो स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट होता है कि स्टार्टिंग आप कैसे करते हो, ठीक है। स्टार्टिंग जब भी कीजिएगा तो यहाँ पे एड्रेस लिखने के बाद महोदय आप जरूर लिखिएगा, महोदय लिख लीजिएगा या सेवा में,
ठीक है, या निवेदन है, ये तीन चीज का प्रयोग कर लीजिएगा। महोदय या सेवा में निवेदन है लिखने के बाद यहाँ पे कामा लगा दीजिएगा, कामा लगाने के बाद ही पूरी के पूरी कंडीशंस को लिखिएगा, यही एग्जामिनर बस देखता है। अब ये पेपर हमने क्या कर दिया सॉल्व। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस ट्रिक की मदद से, ठीक है, आप उल्टा ही आंसर लिख के आराम से 70 या 75 नंबर आराम से आप ला सकते हो, एग्जामिनर आप लोगों को दे देगा। ये ट्रिक उन्हीं के लिए थी जो बिल्कुल उनको कुछ आता ही नहीं है, उनके लिए ट्रिक मैंने बताया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।